सरफेस एरिया बेसिकली हमें निकालना है, और ये सरफेस एरिया किसका निकालना है, बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व। मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कर्व लिखा हूँ, मतलब आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन नोन है। तो फिर से इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं और इसको रिवोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई कर्व इस तरीके से है और आप इसको रिवोल्यूशन करना चाहते हैं, तो इसको मैं दो तरीके से रिवोल्यूशन कर सकता हूँ। एक वाई एक्सिस के वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हुए इसमें रिवोल्यूशन करूँ, या फिर इसको इसमें एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन कराऊँ। तो मेरे पास इसको दो तरीके हैं, इसको या तो मैं ऐसे रिवोल्यूशन कराऊँ या इसको मैं ऐसे रिवोल्यूशन कराऊँ। तो अभी जो मैं रिवोल्यूशन कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से, इसका जस्ट एक मिरर इमेज पहले बना लेते हैं तो आपको आसानी होगा, ये इस तरीके से रिवोल्यूशन करेगा। तो ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है यहाँ से इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है, ये भी ऐसा रिवोल्यूशन कर रहा है ये एंड, तो एक सॉलिड जनरेट हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक सॉलिड जनरेट हो रहा है ये कर्व। अगर हम एक्स एक्सिस कैसे अराउंड अगर हम रिवोल्यूशन करें, एक्स एक्सिस को मानते हुए अगर उसको रिवोल्यूशन करें तो उसके अराउंड रिवोल्यूशन होगा, तो एक सॉलिड जनरेट होगा। बेसिकली मुझे इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो आप ऐसा मानिए कि आपके पास एक खीरा है, खीरा आप समझते होंगे, क्यूकम्बर बोलते हैं, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, फिर इसका वॉल्यूम भी हम निकालने की कोशिश करेंगे खीरे की क्या वॉल्यूम होगी। तो मान लीजिए आपके पास एक खीरा है और मैं उसको ज़्यादा अभी डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसका पहले फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, देन हम खीरे पर आएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक खीरा है और उसका शेप कुछ इस तरीके से है, ये कर्व है। आप मानिए कि आपके पास खीरा है और ये खीरे का कर्व है, तो अगर मैं इसको रिवोल्यूशन करूँ इतना ही दूर को मान लीजिए, इस पूरे को मत मानिए, इसको ये अगर ये मान लीजिए इस टाइप से कोई कर्व है और इसको अगर मैं रिवोल्यूशन दूँ तो ये क्या क्या बनाएगी, ये जो पॉइंट है रिवोल्यूशन जब होगा ये स्ट्रेट लाइन तो इस तरीके से फॉर्म बनाएगा, ये भी सिमिलरली इस तरीके से रिवोल्यूशन करेगा एक्स एक्सिस के एक्स को एक्सिस मानते हुए इसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड ऐसा रिवोल्यूशन करेगा। सिमिलरली ये कर्व भी ऐसा ऐसा घूमने लगेगा गोल 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 गोल, तो ये ऐसा कुछ शेप में हो जाएगा। तो ये क्या बना, एक वन काइंड ऑफ खीरा बना, क्यूकम्बर बना। तो इसके लिए इसको जनरेट करने के लिए, इस खीरे को जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन सा कर्व चाहिए, दो कर्व चाहिए, एक इस तरीके से राउंड वाला, एक बीच का सेंट्रल पोर्शन और एक ये फिर से अगेन कर्व वाला। तो हम इसको मान सकते हैं कि मान लीजिए ये पैराबोला का कर्व है और इस तरीके से इस पैराबोला का जो कर्व है, इस पैराबोला को हम अगर नाम देना चाहें तो ये एक्स इज इक्वल टू फोर ए वाई स्क्वायर टाइप है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू सपोज b, और सिमिलरली ये भी एक पैराबोला होगा। तो ये इस तरीके से ये पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला से हम लोग बेसिकली क्या बना सकते हैं, क्यूकम्बर बना सकते हैं, क्यूकम्बर मतलब खीरा। तो ये बेसिकली क्या है कि कोई भी सॉलिड, बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सॉलिड कर्व से मिलकर बनाया जा सकता है। कर्व को अगर हम लोग रिवोल्यूशन करें, एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन करें या वाई एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन करें, तो उसके अकॉर्डिंगली एक सॉलिड जनरेट होगा, और उस सॉलिड का जो हमको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, अभी डिस्कशन हमें बेसिकली वही करना है। तो खीरा से ही मैं एग्जांपल लूँगा आपको, जैसे मैंने खीरा के लिए बताया कि एक पैराबोला लिया, स्ट्रेट लाइन लिया, पैराबोला लिया, उसको मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन किया तो हमारा खीरा जनरेट हो गया। इस खीरे को आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पीसेस में काटे जाते हैं सलाद के लिए, फिर से मैं सलाद मेथड में आ रहा हूं, तो उसको कैसे काटा जाता है ऐसे, इसको अगर मैं काटने का तरीका देखूं तो कुछ इस तरीके से काटा जाता है, ये छोटे छोटे चकतियों में इसको काटा जाता है ऐसे। तो ये या फिर यहाँ को भी आपने देखा होगा कि स्पेशली एंड को जरूर हम काटते हैं खीरे का,
खीरे को एंड इसलिए काटते हैं क्योंकि वो थोड़ा बिटर होता है, उस बिटरनेस को हटाने के लिए एंड को काटा जाता है एंड उसको रगड़ा जाता है और उसके बाद बाकी खीरे की पोर्शंस को काटे जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि खीरे की जो कटिंग होती है उसके मतलब जो इसका लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन होता है उसके ट्रांसवर्स में काटे जाते हैं ऐसे खीरे को, और खीरे को काटने के बाद उसमें छोटे छोटे चकतियाँ बनती हैं। तो बेसिकली सिमिलरली हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसको काटा, और इसको जब काटा तो मैंने ऐसे छोटा सा पोर्शन काटा ऐसा। ये पोर्शन के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, मैं ये चाहता क्या हूँ, ये पोर्शन को मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक छोटा सा मतलब चिप्स है, मान लीजिए जिस तरह से चिप होता है, आलू चिप्स होते हैं, उसकी एक थिकनेस होती है, एक सर्कुलर टाइप होता है। सिमिलरली ये भी एक कोई शेप है, या खीरा मान लीजिए खीरे का एक चिप्स है, इसकी एक थिकनेस है। ये थिकनेस अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली डिनोट करना चाहूँ तो इस थिकनेस को मैं डी एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको वाई बोलता हूँ तो ये, इसको अगर मैं वाई बोलता हूँ तो ये वाई प्लस डी वाई होगा, लाइक इस तरीके से होगा। ये एक चिप्स है जिसका थिकनेस डी एक्स है, एंड इसका जो ये वाला सर्कुलर पार्ट वो वाई है, तो ये वाई प्लस डी वाई का रेडियस से रहेगा। तो अभी मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को एक लार्ज फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा मुझे। ये मान लीजिए सेंटर है, ये डीएल कहलाएगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा डीएक्स कहलाएगा। ये अगर सपोज मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये मेरा जो रहेगा ये होगा वाई प्लस डी वाई। तो इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपको याद होगा कि इसको मैं dx बोल रहा हूँ, तो ये छोटा सा जो पोर्शन है, ये पोर्शन रहेगा dy का, ये पोर्शन रहेगा मेरा dx का, तो ये पोर्शन रहेगा dl का। ये हमने पढ़ते हुए अभी तक आए हैं, सभी कर्व को छोटे छोटे dl में तोड़ा जा सकता है। तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये है dl, और इसी को अगर मैं एनलार्ज करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसका जो ये वाला पोर्शन है वाई, ये वाई प्लस डी वाई, ये डी एक्स, तो कुछ संभाव उस तरह से नजर आएगा। अभी भी डी एल इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर है, आप देख सकते हैं फिगर से, आपको सेम चीज नजर आ रही है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, ये छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है। ये दिख कैसे रहा है, आप एज्यूम करने की कोशिश करिए, खीरा को सोचिए, ये खीरा का एक सरफेस थोड़ा छोटा रहता है, उसका दूसरे तरफ सरफेस थोड़ा बड़ा रहता है। अगर इस पोर्शन की बारे में बात करूं, आप इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए, आप स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में ये दोनों y और y प्लस डी वाई दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। लेकिन अगर हम ऐसे जहां पे हमारा कर्व चेंज हो रहा है, जहां पे कर्व पोर्शन है, अगर वहां पे आपने खीरा की कटिंग की है और वो छोटे चिप्स के फॉर्म में काटा है, dx आपको उसकी जो थिकनेस, अगर वो dx है, थोड़ी सी थिकनेस आपने रखी है, तो आपको नजर आएगा कि एक तरफ का सरफेस थोड़ा छोटा रहता है, दूसरे तरफ का जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा रहता है। आपने देखा होगा एक तरफ के सरफेस का रेडियस थोड़ा सा छोटा रहेगा और दूसरे तरफ सरफेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। वो बेसिकली क्या बताता है, अगर एक तरफ का सरफेस y है तो दूसरे तरफ का सरफेस y प्लस डी वाई रहेगा। वो कुछ सर्कुलर फॉर्म मतलब इस आपको ये तो बोल देते हैं कि ये लगभग सर्कुलर है जिसकी थिकनेस डी एक्स है, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहती है, थोड़ा सा ऐसा बकेट वाले फॉर्म में रहती है। ये बेसिकली क्या है, बकेट ही तो है, बकेट जिसका एक तरफ का रेडियस y है और दूसरे तरफ का रेडियस y प्लस डी वाई है। तो अभी बेसिक मुद्दा क्या है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, हमको इसको वॉल्यूम निकालना है। तो ये हम लोग बकेट वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि y प्लस डी वाई की वैल्यू बहुत छोटी है। ये जो y जो है, डी वाई जो है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये y प्लस डी वाई अप्रोक्सीमेटली y है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक एवरेज आउट फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे यहां का अगर एरिया पता चल जाए, यहां का एरिया मैं निकाल सकता हूं और उसको एवरेज कर दूंगा, तो मैं उतना बेसिकली रेडियस वाला एरिया निकालना चाहता हूं। बेसिकली मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूं, मैं सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर मेरे पास दो आर है, एक आर है y और दूसरा आर है y प्लस डी वाई, इसलिए मैं उसको पहले एवरेज आउट कर रहा हूं। बेस के एरिया को मैं पहले एवरेज आउट कर रहा हूं, क्योंकि डी वाई बहुत छोटी क्वांटिटी है। ये इसको मैं बकेट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो पूरा फॉर्मूला, ये जो डी वी है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम बकेट वाला फॉर्मूला से इसको नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग इसको बनाने वाले हैं सिंपल शॉर्ट, डी वी स्मॉल वॉल्यूम। ये जो इनफाइनाइट सिमल, ये क्वांटिटी क्या है, ये इनफाइनाइट सिमल क्वांटिटी है, इनफाइनाइट सिमल वॉल्यूम,
ये बहुत छोटी वॉल्यूम है, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है, और अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे डी भी लिखा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बेस का स्क्वायर, बेस का एरिया, ये बेस क्या है, यहाँ पे दो बेस हैं, अलग अलग बेस हैं, दोनों के अलग अलग रेडियस है, लेकिन दोनों के रेडियस में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ध्यान रखिए, खीरे का जब आपने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काटा है और उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो दोनों के रेडियस में कोई खास फर्क नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पाई वाई स्क्वायर, ये वाले बेस का एरिया, दूसरे वाले बेस का एरिया हो जाएगा पाई वाई प्लस डी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय टू। आपने एवरेज आउट कर दिया, दोनों को एवरेज आउट कर दिया, दोनों बेस के एरिया को एवरेज आउट कर दिया। इनका इनका जो हाइट है, जो यहाँ पे डीएक्स के फॉर्म में लिखा हूँ मैं, उसको मैं लिखूंगा डीएक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला आएगा पाई वाई स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस पाई प्लस टू y इंटू डी वाई बाई टू एन इंटू डी एक्स। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको नजर आएगा कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस पाई डी वाई स्क्वायर डी एक्स बाई टू प्लस पाई वाई डी वाई डी एक्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो डी भी है, इसमें यहां पे आ रहा है डी वाई स्क्वायर डी एक्स, मतलब तीन छोटी छोटी इन्फाइनाइटसिमल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। ये डी वाई का स्क्वायर है, उसमें डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया, ये बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। सिमिलरली आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे दो छोटी छोटी क्वांटिटीयों का मल्टीप्लिकेशन है डी वाई एंड डी एक्स, मतलब ये भी क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो इसको हम यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको भी हम यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली मेरे पास बच के क्या आ गया, मेरे पास यहां पे बच के आ गया कि डी वी इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। मेरे पास ये एक फाइनल डी वी की वैल्यू आई है, जो कि आया है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। और ये क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी का, जिसको हम इन्फाइनाइटसिमल वॉल्यूम बोलते हैं, वो वाली क्वांटिटी का ये वॉल्यूम है। और इसको अगर मैं एक्यूमुलेट कर लूँ, एक्यूमुलेट कर लूँ मतलब इंटीग्रेशन कर लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा वॉल्यूम मिलेगा उस पूरे कर्व का, कर्व के द्वारा जो जनरेटेड हमारा सॉलिड है उसका वॉल्यूम मिलेगा। तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसमें लिमिट रखूंगा, यहां पे ये कर्व स्टार्ट हो रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पे। तो यहां पे जो मेरे को लिमिट रखना है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, ये मुझे लिमिट रखना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन कैसा वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, ये उस कर्व द्वारा, किसी कर्व द्वारा अगर रिवोल्यूशन से एक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो रिवोल्यूशन होता है, ये कर्व, कोई कर्व अगर दिया गया हो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और उसको एक्स एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन किया जा रहा है, और उस रिवोल्यूशन द्वारा जो वॉल्यूम, जो सॉलिड जनरेट हुआ है, जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है, ये स्पेशल नोट आपको याद रखना चाहिए कि दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय अ कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अराउंड वाई अराउंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड इस कर्व के रिवोल्यूशन से जनरेट हुआ है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, रिवोल्यूशन ऑफ अ कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अराउंड एक्स एक्सिस, तभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। सिमिलर मैनर में अगर ये वाई एक्सिस के अराउंड अगर रिवोल्यूशन करें, तो हम इसका एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई इज इक्वल टू वाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। इस फॉर्मूले का यूज तब करना है,
ये एक स्पेशल नोट याद रखिएगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ कर्व अराउंड y एक्सिस। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर y एक्सिस के अराउंड आपको रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसी कर्व को, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। अगर x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपके इंटरेस्टिंग बना रहे, तो मैं इस खीरे का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, थोड़ा सा एक सिमेट्रिक एग्जाम्पल लेके इस खीरे के वॉल्यूम को निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, आइए अभी हम देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम खीरे को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक प्लेन बनाया है, और इस पे खीरे के लिए मैं बताया कि मैं एक पैराबोला ले रहा हूँ, और ये जो पैराबोला है y इज इक्वल, ये इसका जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 4ay² इस टाइप वाला पैराबोला है। और उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है, इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और उसके बाद अगेन एक पैराबोला लिया है जो ऐसा है। ये जो दोनों पैराबोला आपको नज़र आ रहे हैं, ये पैराबोला दोनों सिमिलर है। अब ये जो कर्व है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कर्व्स है, इसको अगर हम रोटेट करें किसके अराउंड एक्स एक्सिस, तो ये एक सॉलिड जनरेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सॉलिड हमें जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, ये इस तरीके से इसका मैं लेंथ ले रहा हूं यहां से यहां तक L। ये जो है ये रेडियस ले लेते हैं सपोज R, और इस पैराबोला का यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर H लेते हैं, सिमिलर फैशन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस H है, और ये रेडियस इसमें भी R है। तो ये खीरे का अभी मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो खीरे के वॉल्यूम में जो सबसे क्रिटिकल है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पैराबोला जो है जो वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, उसका मुझे फॉर्मूला अभी इस मेथड से निकालना है। अदरवाइज़ ये तो जस्ट सिलेंडर है, बीच का पोर्शन सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, हाइट उसका एच एल है, तो ये पाई आर स्क्वायर एल, ये वाला वॉल्यूम हमें निकल जाएगा। अगर मैं ये वॉल्यूम मुझे पता चल जाए तो मैं इसको बड़े आसानी से खीरे का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली अभी मैं जो निकालने वाला हूँ, अभी जो हमने देखा कि कर्व के रिवॉल्यूशन से जो वॉल्यूम जनरेट करती है अराउंड एक्स एक्सिस, उसके लिए मैंने मेथड देखा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, और मुझे क्या करना रहता है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूले से मेरा वॉल्यूम निकल जाता है। अभी यहाँ पे मेरा जो एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं केवल इस पोर्शन का निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो से बेसिकली मुझे x इज इक्वल टू एच लेना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मैंने जो लिया है वो h है, तो x इज इक्वल टू एच लेना है। और अगर इक्वेशन पे अगर मैं फिट करूँ तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा x h है और y डिस्टेंस r है, तो ये एच आर होगा यहाँ कोऑर्डिनेट, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाइड करता है, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एच आर पे रिलेशनशिप h इज इक्वल टू 4ar², ये रिलेशनशिप मेंटेन है दोनों में। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है y, y क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, सपोज मैं इसको एलिमेंट ले रहा हूँ, ये छोटा सा वॉल्यूम जो मैंने अभी आपको बताया था, ये दिखने में बकेट टाइप से होता है, ये dl है, ये dx है, और ये वाले को अगर हम y मानते हैं तो इसको y प्लस dy मानेंगे। तो ये एक बकेट टाइप से हमको नज़र आने वाला है, तो मैं उसी को ड्रॉ करता हूँ लाइक इस टाइप से। इसका अगर सेंटर से ले लें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y प्लस डी वाई रहेगा रेडियस, और ये हमारा y रहेगा, ये सर्कुलर है, आप ध्यान रखिएगा ये बकेट टाइप से सर्कुलर है। ये जो है ये हमारा dx है और ये हमारा dl है। इसी का जो हमने इंटीग्रेशन मेथड में देखा था कि अगर इस छोटे छोटे वॉल्यूम्स को, ये छोटे छोटे जो डीवी हैं उनको अगर मिला दें तो हमें आई मिलने वाला है।
तो अभी मेरे पास y की वैल्यू आपको नजर हो रही कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4a है। तो मैं इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन पाई y स्क्वायर की यहां से वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन 4a और dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू एक्स वन, मतलब जीरो से लेकर मुझे h तक इंटीग्रेट करना है। तो x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एच, तो अभी ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है पाई अपॉन 4a, कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एच बचा और x dx, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4a एक्स स्क्वायर बाई टू और x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू एच, तो ये बचेगा पाई 4a एच स्क्वायर बाई टू। और इस 4a को भी मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं h अपॉन r स्क्वायर से, तो ये जो 4a है वो रिप्लेस हो जाएगा पाई h अपॉन r स्क्वायर, इससे रिप्लेस हो जाएगा इन टू एच स्क्वायर बाई टू, इस h से ये h कैंसल आउट, तो बचेगा पाई r स्क्वायर h बाई टू। आप देख रहे होंगे कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका जस्ट ये हाफ है। अगर ये मान लीजिए अगर ये सिलेंडर होता, मान लीजिए अगर ये सिलेंडर होता आर रेडियस और एच हाइट वाले के लिए, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पैराबोलाइट का जो, इसको पैराबोलाइट बोलते हैं शेप को, पैराबोलाइट का जो वॉल्यूम होता है जस्ट सिलेंडर के वॉल्यूम से हाफ होता है। तो आपको नजर आ गया अगर मैं यहाँ पे तीन अलग अलग वॉल्यूम लिखूँ, सपोज इसको मैं वॉल्यूम वन बोलता हूँ, इसको वॉल्यूम टू बोलता हूँ और इसको वॉल्यूम थ्री बोलता हूँ, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वी वन एंड वी टू, और वी थ्री का जो वॉल्यूम है वो हमको पता है कि वो सिलेंडर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये अब इन तीनों वॉल्यूम्स को जोड़ दीजिए तो एक कंप्लीट खीरे का वॉल्यूम मिलेगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये खीरे का वॉल्यूम होगा। ये किसका वॉल्यूम है? खीरा का, ये ध्यान रखिएगा, क्यूकम्बर का वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है क्यूकम्बर का, उसको निकालने का तरीका होता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, अलग अलग वॉल्यूम्स को हम जोड़ लिए और उसको निकाल लिए। क्योंकि हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है इसलिए हमें इसको इंटीग्रेशन मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिलेंडर का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल मैंने डायरेक्टली लिखा है, बाकी के लिए मैंने फॉर्मूला डेराइव किया है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपको अगर स्टैंडर्ड कर्व पता हो और एक्स एक्सिस के अराउंड अगर वो रिवोल्यूशन कर रहा है और उससे जो एक सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर वाई एक्सिस के अराउंड अगर रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसके लिए मैंने बताया था ये पाई एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर और लिमिट रहेगा वाई वन से वाई टू। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट जो वॉल्यूम है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब मैं इन्फिनिटेसिमल की क्लास पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वन थर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है, तो उसको कैसे डेराइव किए होंगे। तो सेम उसको भी आप इस मेथड से डेराइव कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस कर्व के जगह पे एक स्ट्रेट लाइन मानना होगा। आप ये एज्यूम करिए कि अभी ये कर्व नहीं है, जो मैंने कर्व माना था उसको आप स्ट्रेट लाइन मानिए ऐसा, और उसको आप रिवोल्यूशन दीजिए। उसको आप रिवोल्यूशन देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोण बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये इसकी जो फंक्शन है ये क्या है, ये बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे c कहीं पे कट कर नहीं रही है तो इसलिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इसको h बोलते हैं, इस हाइट को अगर h बोलते हैं, इसको रेडियस r लेते हैं, तो m बराबर हो जाएगा एम जो होता है वो थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर होता है, तो एम इज इक्वल टू आर बाई एच, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर बाई एच एक्स। ये आपको फंक्शन मिल गया। वंस आपको अगर फंक्शन मिल गया तो उस कर्व के द्वारा, उस फंक्शन के द्वारा अगर रिवोल्यूशन से अराउंड एक्स एक्सिस जो वॉल्यूम बनती है आप वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अभी आपको वैल्यू क्या मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x मिल गई है, r अपॉन h x। अब सेम मेथड से आप इसको डिराइव कर लीजिए, आप यहाँ पे नजर आएगा कि इसके द्वारा जो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच होगा।
तो ये ध्यान रखिए कि ये कौन किससे बनता है, कौन किसके रिवोल्यूशन से बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के रिवोल्यूशन से बन रहा है अराउंड एक्स एक्सिस इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे। यहाँ पे जो पैराबोलाइड बनाए थे, जो खीरा बनाए थे, उसमें हमने क्या लिया था, उसमें तीन अलग अलग कर्व लिया था, एक तो हम पैराबोला लिए थे स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, और उसको रिवोल्यूशन किए थे अराउंड एक्स एक्सिस, तो हमारा खीरा बना था। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, सरफेस एरिया निकालने के लिए। जिस तरीके से हमने वॉल्यूम निकाला, अभी हम उसका सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने लास्ट एप्लीकेशन देखा था, भले ही मैंने वहाँ पे लिखा था सरफेस एरिया बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व, उसको प्लीज़ कंसिडर करें वॉल्यूम बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व या सॉलिड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व। अभी हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व। तो इसमें सेम डायग्राम एप्लीकेबल रहेगी। इसमें जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था, जो कि बकेट के समान दिख रहा था, मैं फिर से उसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वो कुछ इस टाइप से दिख रहा था। यहाँ पे तो सिलेंडर थे, ये हमारा डी एल था, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो है वो डी एल है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस बकेट का वो है हमारा डी एक्स, ये अगर y है तो ये y प्लस डी वाई, और यहाँ से अगर हम इस तरीके से खींचे तो ये छोटा सा जो डिस्टेंस हमें मिलने वाला है, ये वाला येलो कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो डी वाई है, और ये येलो वाला डी एक्स है, और ये डी एल है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सेम एलिमेंट, मैं सेम एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, एवरीथिंग सेम है। अभी जो कर्व हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया था, वो x एक्सिस के अराउंड उसको हम रिवोल्यूशन कर रहे हैं, और उससे एक सॉलिड जनरेट हुआ है, और उस सॉलिड में को हम छोटे टुकड़ों में काटे हैं, डी एक्स उसका थिकनेस लिए हैं, उस थिकनेस के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एक एलिमेंट बन के आ रहा है, कुछ इस शेप का हमें नज़र आएगा। अभी हमको ये समझना है कि अब इसका मुझे बेसिकली सरफेस एरिया निकालना है। तो इस छोटे से का अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट। इस छोटे से सरफेस का मैं सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट निकालने वाला हूँ। तो अब मेरे पास दो अलग अलग रेडियस हैं, एक रेडियस है y, दूसरे रेडियस है y प्लस डी वाई। तो मैंने बताया था जैसे लास्ट टाइम कि अब मुझे उस रेडियस को एवरेज आउट करना पड़ेगा, तो मैं उस रेडियस को एवरेज आउट कर रहा हूँ 2π। अब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक सिलिंड्रिकल की तरह, सिलेंडर की तरह यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसका अगर आपको रेडियस पता हो तो 2πr है जिसका सरफेस एरिया होता है। ये जो सरफेस एरिया जो आप ये जो बात कर रहे हैं वो 2πrh के बराबर होता है। तो बेसिकली मेरे पास दो अलग अलग आर हैं, तो मैं उस आर को पहले एवरेज आउट कर रहा हूँ, और उसके बाद उसका जो एच है वो है डी एक्स, मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, y, और यहाँ पे बचेगा y प्लस डी वाई बाई टू इंटू डी एक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये बचेगा 2π y डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी वाई, और यहाँ बचेगा पाए, तो इस तरीके से बचेगा। आप फिर से देख रहे हैं एक छोटा क्वांटिटी है, इसमें डी एक्स के साथ डी वाई मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, फाइनल रिजल्ट डी ए इज इक्वल टू 2π y डी एक्स, एक बहुत छोटी क्वांटिटी, ये एक इन्फाइनाइटसिमल क्वांटिटी है, और इसको मैं अब इंटीग्रेट करूँगा बड़ा एरिया निकालने के लिए, जो सरफेस एरिया मुझे चाहिए वो निकालने के लिए। तो मैं अब इसको इंटीग्रेशन के अंदर लेता हूँ, इंटीग्रेशन अगेन x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि इसी के बीच वो कर्व रहती है और उसी से जनरेट हुआ है ये सॉलिड, और यहाँ पे मैं dA लिया। तो इसको इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 2π y dx। ये कैसा एरिया है, कैसा सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैसा सरफेस एरिया को, तो मैं उसको अभी डिफाइन कर सकता हूं, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड व्हिच इज मेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व
y is equal to fx around x-axis. x-axis के अराउंड अगर रिवोल्यूशन करता है, उससे कोई कर्व बनता है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे इस फॉर्मूले से निकालना है. सिमिलर वे में अगर इसको हम y-axis के अराउंड करें, तो y is equal to y1, y is equal to y2, 2 pi x dy. ये एक ऐसा सरफेस एरिया है जो अराउंड एवरीथिंग सेम रहेगा, अराउंड y-axis रहेगा. अगर अराउंड y एक्सिस अगर करना है और उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है. x एक्सिस के अराउंड अगर रिवोल्यूशन से उस कर्व के अगर कोई सॉलिड बन रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. तो जितने भी हमारे सरफेस एरिया निकले हैं, जैसे कि अगर हम स्फेयर का सरफेस एरिया ले लें, तो 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम कोन का सरफेस एरिया ले लें, तो पाई आर एल से हमने पढ़ा है. तो ये सभी को इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम डेराइव कर सकते हैं. तो आपको इसको ध्यान देना होगा, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि इसको कैसे यूज करना है. अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो कैसे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अभी उसका हम छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे. फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, एवरेज बिटवीन इंटरवल्स. इसमें होता क्या है कि आपके पास एक, मान लीजिए कि कोई एक कर्व है या कोई फंक्शन है, सपोज लाइक दिस, इसको मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स. इसकी फंक्शन आपको नोन है. ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, वो x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू तक एक्सटेंडेड है. और आपको इसका आउटपुट वैल्यू का, यहाँ पे आउटपुट वैल्यू क्या है, y, y का आपको एवरेज वैल्यू निकालना है. और कौन से इंटरवल पे निकालना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना बिटवीन इंटरवल्स, तो कौन से इंटरवल पे निकालना है, x1 और x2 जो इंटरवल्स हैं उस पे निकालना है. लेकिन किसका, y का निकालना है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम जो लिखते हैं, इसका सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, इस एरिया को निकालते हैं और उस एरिया को इसके इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं. कहने का मतलब मेरा ये है कि हम बेसिकली करते क्या हैं, एवरेज आउटपुट वैल्यू y को शो करने का तरीका इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन वाले फॉर्म जो सिंबल होता है उसको यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y डी एक्स अपॉन डी एक्स, जहाँ पे x1 से x2 इसकी लिमिट होती है x की. तो इस तरीके से हम इसको एवरेज वैल्यू निकालते हैं, किसका, आउटपुट का. तो ये एक एप्लीकेशन आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से एवरेज वैल्यू ऑफ y, जब आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स पता हो और इंटरवल आपको पता हो x1 x2, तो इस तरीके से निकालते हैं. अब इसको सॉल्व करेंगे नीचे को, तो ये ऊपर का तो ये होगा कि ये एरिया आ जाता है. ऊपर को हम ये लिख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, और नीचे को हम लिख सकते हैं डेल्टा x, क्योंकि इस डेल्टा x की जो वैल्यू है वो x2 माइनस x1 है, क्योंकि ये x हो जाएगा और जब इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा. तो ये याद रखिए, जो इंटरवल है वो है x2 माइनस x1, ये इंटरवल्स हैं, और उस इंटरवल को हम डिवाइड करेंगे एरिया अंडर कर्व में, तो वो आउटपुट का एवरेज वैल्यू निकल आएगा. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं. एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन ये डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व. तो अभी हम इसका स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर्व को ही ड्रॉ कर लेते हैं. उसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. एक जनरल कोई कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज़ ये कोई कर्व है, और अगर ये कोई कर्व है तो इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स. बेसिकली इस टॉपिक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व जो हमें निकालना है, इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ये अगर एक कर्व है तो इसके एवरी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, क्योंकि जो बैंड है, ये जो कर्व जितना बैंड ले रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सर्कल में क्या होता है कि हर पॉइंट पे जो बैंडिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है. लेकिन ये एक जनरल कर्व है और हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये सर्कल का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती है. इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग हो सकती है.
तो मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, सपोज इसका नाम दे देते हैं ए और इसको एक्स वाई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, मेरा जो प्राइम फोकस है इस ए के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो सबसे पहले इसको कहीं से सेंटर दिखाते हैं, सपोज मैंने इसको एक सेंटर दिखाया, इसको लिखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक रो लिया जिसको मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ए के लिए निकालना है। अभी इसमें क्या करेंगे, हमें ये चीज़ क्लियर है कि अगर मैं पॉइंट ए पे टेंजेंट खींचता हूँ तो वो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंजेंट खींचें, तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा है और इसका जो स्लोप होगा, ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, उसको हम स्लोप बोलते हैं। सपोज ये थीटा वन है और ये जो थीटा वन है ये कोई स्लोप बना रहा है, और स्लोप बना रहा है, और उसका जो स्लोप टेन थीटा जो होगा उसको हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस और हमें लेना है, उसके लिए हम डीएल डिस्टेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस आपको बस दिखाने के लिए ये ले रहा हूँ, इतना इसको बी पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि मैथमेटिक्स में इतना बड़ा डिस्टेंस डीएल नहीं है, छोटा सा इन्फाइनाइटसिमल डिस्टेंस नहीं है, आपको यहीं पे ही ए पॉइंट पे ही इन्फाइनाइटसिमल डिस्टेंस लेने हैं, लेकिन ज्योमेट्री समझने के लिए मैं बड़ा डिस्टेंस ले रहा हूँ ताकि मैं डायग्राम्स प्रॉपरली क्लियरली बना सकूँ और आपको समझ में भी आए। तो ध्यान रखिएगा ए टू बी एक छोटा इन्फाइनाइटसिमल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू डी एल, और वो इनफाइनाइट सिमल लेंथ है। ये एक छोटा सा इनफाइनाइट सिमल लेंथ है। अभी क्या करेंगे, सिंस ये बहुत छोटा लेंथ है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है ए के लिए भी और बी के लिए भी, तो मैं इसको सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट मान सकता हूं, और इसके लिए भी जो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहा हूँ जस्ट रो ही ले रहा हूँ, दोनों के लिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये समझिए कि एक सर्कल का पार्ट है, ए बी जो है एक सर्कल का पार्ट है, एकदम छोटी सी इन्फाइनाइट सिमल क्वांटिटी है और वो सर्कल का पार्ट है, इसलिए दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फिलहाल अभी सेम है। तो इस पॉइंट से भी मैं एक टेंजेंट खींच सकता हूँ, टेंजेंट मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट खींचे इस तरीके से 90 डिग्री होते हुए जो इस पॉइंट को जस्ट टच करे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भी क्या करेगा, ये भी एक स्लोप लेगा, कोई एंगल बनाएगा थीटा टू। तो अगर मैं, आप देख रहे होंगे कि स्लोप थोड़ा सा कम हुआ है, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये हो जाएगा थीटा माइनस डी थीटा, थोड़ा सा कम, छोटा सा इनफाइनाइट सिमल एंगल में कमी। अगर हम इनके एंगल्स की बात करें, ये जो छोटा सा एंगल जो है, जो इन दोनों के टेंजेंट से जो मिल रही है हमें एंगल क्रॉसिंग से, वो होगा डी थीटा। अगर इसी को थोड़ा जूम करके प्रॉपरली ड्रॉ करें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट है ऐसा, और इसका एक टेंजेंट है लाइक इस टाइप से, और ये दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये भी मान लीजिए रो है, ये भी मान लीजिए रो है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन दोनों का जो एंगल है जो मैंने यहाँ पे शो किया है डी थीटा से, ये डी थीटा है। मैं ऐसा इसलिए थोड़ा एनलार्ज करके बना रहा हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और ये जो वैल्यू है वो है डी एल, ए टू बी का जो मेजरमेंट है, जो आर्क मेजरमेंट है, वो डी एल है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, इसलिए ये डी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये डी थीटा होना नेसेसरी है। तो अभी मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं ए टू बी पॉइंट जाता हूँ तो ये यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो डी थीटा बनने वाला है। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, और मैं इस डी एल को लिख सकता हूँ, आपने टेंथ के क्लास में पढ़ के आया है कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और छोटा सा एंगल जो यहाँ पे बनता है सेंटर पे जो बनाया जाता है उसके बराबर होता है, इसलिए रो डी थीटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसको ध्यान रखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ये बताया कि जो एंगल बन रही है जिसको हम
टेन थीटा लिख लें, अगर मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं तो टेन थीटा लिख सकता हूं, और यहां पे क्या होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये टेन थीटा हम लिखेंगे। क्यों, ये कहाँ के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट ए के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पॉइंट ए पे जो टेंजेंट बनी है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि थीटा वेरिएबल है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये वन प्लस टेन थीटा को अगेन मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर वन दे दें। अब हम कोई दूसरा फाइंड आउट और कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ से कर सकते हैं, ये जो डीएल है, डीएल डीएल इज इक्वल टू रो डी थीटा है। आपको पता है कि जो डीएल है, डीएल को हम क्या लिखते हैं, डीएल इज इक्वल टू, ऑलवेज हमने ये पढ़ा है, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ से आप डी एक्स बाहर निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा रो डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स, इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसको इधर की ओर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये रो इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी थीटा। ये आपके इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन जो आपको यहाँ पे मिला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी एक्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन वन क्रॉस इक्वेशन टू। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और उसके बाद मैं रो की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो आपको रो की वैल्यू मिलने वाली है, रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन डी स्क्वायर वाई अप डी एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है। आपको इस रिजल्ट को याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रो की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोप पे, और स्लोप कैसे चेंज हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली एक्स वाई पे डिपेंड कर सकती है, करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कर सकती है। अभी तो हम कुछ स्टैंडर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, जैसे सर्कल का, अगर हम सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो ये हमें कैसे रिजल्ट देगा, अभी हम उसकी स्टडी करेंगे। आपको पता है कि जो सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी सेंटर कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप कोई भी पार्ट ले लें। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, ये तो एक जनरल कर्व के लिए है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं अगर सर्कल के लिए निकालता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, अभी थोड़ा सा उसका हम एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सपोज आप ये मानिए कि ये हमें पता नहीं है, हमको एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक जनरल कर्व, आप ये मान के चलिए कि एक जनरल कर्व है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो और इसका मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें क्या चाहिए, आप यहाँ पे इक्वेशन पे देख रहे होंगे कि रो इज इक्वल टू इन ब्रैकेट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और उसका पावर है थ्री बाई टू, और नीचे है उसका डबल डिफ्रेंशिएशन वाई का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें यहाँ से, तो इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलने वाली है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन हम कर देते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है ये जस्ट लाइक उस टाइप से फंक्शन में है एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स वाले फॉर्म में है, और मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन वाले रूल में पढ़ाया है कि इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर का सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और पहले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन मिलेगा, माइनस आप पहले फंक्शन को एज ए टीव लिखते हैं एंड दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की इस वैल्यू को रख दीजिए, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आने वाला है माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो y, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो बचेगा प्लस x अपॉन x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो ये वैल्यू कंप्लीट हमारे पास निकल के आने वाली है माइनस, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये y स्क्वायर हो गया और प्लस x स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, तो इसलिए ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन y क्यूब। ये आपके पास एक वैल्यू आई, और ये वैल्यू आई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। अब इस रो वाले फॉर्मूला पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने लिखा है, इस जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अब हम उस इन वैल्यूज को डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स को वैल्यू को हम रखते हैं, तो रो इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर थ्री बाई टू अपॉन माइनस आर स्क्वायर वाई क्यूब, इस टाइप से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। आप इसको देख रहे होंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको नीचे में लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म्स इससे कट जाएंगे और कुल मिला के हमें इसको मिलने वाला है आर क्यूब अपॉन वाई क्यूब अपॉन माइनस आर स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। आप देख पा रहे होंगे मैं इससे इसको काट सकता हूँ, इससे इसको काट सकता हूँ, तो ये बचेगा माइनस आर। इसका अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये माइनस आर है, लेकिन अगर इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो रो इज इक्वल टू आर। आप ये देख पा रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने सिर्फ न्यूमेरिकली लिया है, न्यूमेरिकली लेने का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो रो इज इक्वल टू आर का क्या मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये समझ पा रहे हैं कि जो रो है, जो जनरल टर्म्स जो रो था, किसी भी एक्स वाई वैल्यू के लिए मैं इस रो को जो फाइंड आउट कर रहा था वो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्स्टेंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा कॉन्स्टेंट होता है आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसका मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहां से ये रो इज इक्वल टू आर वाली वैल्यू हर पॉइंट के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब वो क्या बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा। तो सर्कल के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन रेडियस के अलावा अगर हम कोई दूसरा कर्व लेते हैं तो उसमें हर पॉइंट पे वेरी करता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला था और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल के लिए निकाले, मैं इससे आपको यही मैसेज देना चाहता था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सर्कल का वो कांस्टेंट होता है। आपको ये पता ही है, हम बचपन से इसको पढ़ते हुए आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो हमको जितना मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड था मिनिमम एक काइनेमेटिक्स के लिए जो हमें चाहिए थे और आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम फिर से मैथमेटिक्स की दुनिया से घूम फिर के फिजिक्स की दुनिया को स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है वन डायमेंशनल मोशन पे। तो आइए अब उस वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।